रहे हैं आपका अपना टेलीबीट्स चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल टेलीबीट्स पर। बात करने जा रही हूं जी टीवी के दी मोस्ट पॉपुलर शो प्यार का पहला नाम राधा मोहन की। जी हां दोस्तों, क्योंकि यहां पर शो की कहानी ले चुकी है एक बहुत ही बड़ा मोड़। इस कहानी में बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जो आपस में काफी ज्यादा छुपे हुए किरदार निभा रहे हैं, जो कि जिसके चार पांच चेहरे हैं उन चेहरों को छिपाकर राधा के सामने एक इनोसेंट सा प्यारा सा इंसान बनकर खड़ा हो रखा है। लेकिन अब वही युग के तीन चार चेहरे मोहन, गुनगुन और मन्नत के सामने आते नजर आएंगे। दादी तो पहले से ही जानती है कि युग एक बहुत ही घटिया इंसान है, वो साइको है, मगर अब इस बात का पता गुनगुन को भी चलने वाला है। और तो और इतना ही नहीं, हमारे मन्नत को भी उस मास्क के पीछे के चेहरे के बारे में पता चलने वाला है कि वो और कोई नहीं उसके पापा हैं, जो उसे जान से मारना चाहते थे, और उस मास्क के पीछे भी कोई और नहीं उसके पापा युग थे। अब इस बात को जैसे ही मनंत और गुनगुन जान जाएंगे, हमारे युग की तो जो है आफत आ जाएगी, क्योंकि युग किसी भी हाल में ये नहीं चाहेंगे कि राधा तक ये बात पहुंचे, क्योंकि वो राधा को खो सकता है। और युग जो है राधा का साइको लवर है, वो उसे पागलों की तरह प्यार करता है, उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ मोहन जो है वो भी युग के कुछ हरकतों से उसको आइडिया लग चुका है कि युग जैसा दिखा रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और कहीं ना कहीं दादी ने भी मोहन से ये बात कह दी है कि उसे राधा को यहाँ से लेकर जाना होगा, वरना वो हमेशा हमेशा के लिए राधा को खो देगा। शायद इसीलिए युग के सामने राधा को मोहन जो है ज्यादा से ज्यादा अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है। तो अब आपको ये बता दी चलिए कि युग को जब ये पता चल जाएगा कि गुनगुन और मनंत को सब कुछ पता चल चुका है उसके बारे में, तो जो युग है वो हमारी गुनगुन को धमकी देने वाला है कि यदि उसने अपना मुंह खोला किसी के भी सामने, तो वो मनंत और राधा दोनों की जान ले लेगा और मोहन को भी नहीं छोड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ मनंत को भी वो धमकी देता है कि अगर ये सारी बातें तुमने किसी के भी सामने कही तो वो उसकी माँ राधा को जान से मार देगा। अब देखना दिलचस्प होता जा रहा है कि क्या बच्चे युग की इस खोखली धमकी से डर जाएंगे, या वाकई युग इन दोनों के मुंह पर ताला लगाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा। गाइस क्या लगता है आपको, क्या गुनगुन और मनंत फिर से किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं? अगर ऐसा लगता है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।